नमस्ते सुरभित सुमन हे प्यारे प्रभु तूने सृष्टि रची तेरे दर पे प्रभु हस्ते सुरभित सुमन हे प्यारे प्रभु तूने सृष्टि रची पंछी गाते हैं गीत स्मरण कर तेरा पंछी गाते हैं गीत स्मरण कर तेरा चहकने उन्हें उपवन में तेरी वेदी पे आते हैं प्रभु तेरा गुणगान गाते हैं प्रभु पास तेरे रहे प्रेम तुझसे करे पाँव तेरे पड़े मन समर्पित करे पास तेरे रहे प्रेम तुझसे करे पाँव तेरे पड़े मन समर्पित करे नित्य गाए प्रभु हम तेरी वंदना नित्य गाए प्रभु हम तेरी वंदना क्योंकि तुझसे हमें ये उपवन मिला तेरी वेदी पे आते हैं प्रभु और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा और शांति आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रिय भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ में नबी यिर्मयाह अपने दोस्तों पर और दुश्मनों द्वारा उस पर लगाए गए झूठे आरोपों पर विलाप करता है। नबी यिर्मयाह एक बहुत सताए गए नबी थे। वह जिस भारी विरोध का सामना कर रहे थे उससे वह व्यथित था। हालांकि वह बहुत परेशान था लेकिन उसने ईश्वर पर भरोसा किया। सुसमाचार में यीशु ने ईश्वर के पुत्र के रूप में अपनी देवता और ईश्वर के साथ समानता के दो प्रमाण देकर ईश निंदा के आरोप का खंडन किया और उसे पत्थर मारकर हत्या करने के प्रयास से बचा लिया। जब यीशु ने अर्धान रोगी व्यक्ति के पापों को क्षमा कर दिया तो उसे ईश निंदक कहा गया। यीशु लोगों के विरोध और षड्यंत्र का अनुभव करते हैं लेकिन इस अवांछित लड़ाइयों को लड़ने से कभी समय बर्बाद नहीं करते। इसके विपरीत उन्होंने उनकी विरोध की उपेक्षा की और अपने मिशन को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया। हमारे विरोधियों के दुर्भावपूर्ण हमलों का जवाब देने का सच्चा तरीका है कि हम परमेश्वर का कार्य करते रहें। हमें मामले को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए और ईश्वर की स्थिति पर नियंत्रण करने की अनुमति देनी चाहिए। संत पौलुस समय रोमियो में कहते हैं, प्रिय भाइयों, आप स्वयं बदला ना चुकाएं बल्कि उसे ईश्वर के प्रकोप पर छोड़ दें, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, प्रतिशोध मेरा अधिकार है, मैं ही बदला चुकाऊंगा। इसलिए यदि आपका शत्रु भूखा है तो उसे खिलाएं और यदि वह प्यासा है तो उसे पिलाएं, क्योंकि ऐसा करने से आप उसके सिर पर जलते अंगारों का ढेर लगाएंगे। आप लोग बुराई से हार ना मानें बल्कि भलाई द्वारा बुराई पर विजय प्राप्त करें। इसलिए हम यह सही चीज़ें करते रहें, अपने जीवन द्वारा ईश्वर का सम्मान करते रहें। आज हमें वेदी सेवक बनने का ऐसी बुलाहट मिली है जिससे हम प्रभु यीशु के निकट आ सकें। हम इस अमूल्य उपहार के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। हम सब आध्यात्मिक तैयारी के साथ वेदी सेवक सेविकाओं का प्रस्थान के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। यह सब
यह हम सब के लिए आनंद व खुशी का अवसर है। यह हमारा मिशन और बुलाहट पर भी मनन करने का समय है। इस पवित्र युक्रिस्त में हमारे लिए प्रार्थना करें कि हम संत योहन बर्कमंस की तरह आज्ञाकारी समर्पित बनकर तत्परता से क्रिस्तीय जीवन जीने सकें। आमीन। भाई और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हम सब मिलकर बोलें कि भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुवारी धन्य मरियम से सब स्वर्ग दूतों, संतों और आप लोगों से हे भाइयों बहनों विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के अपराध क्षमा कर। हम अपनी दुर्बलता के कारण पापों के बंधनों से जकड़े हुए हैं। अपनी दयालुता के कारण हमें मुक्त कर दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 10 से 13। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 10 से 13। मैंने बहुतों को यह फुसफुसाते हुए सुना है, चारों ओर आतंक फैला हुआ है। इस पर अभियोग लगाओ, हम उस पर अभियोग लगाएं। जो पहले मेरे मित्र थे वे सब इस ताक में रहते थे कि मैं कोई गलती कर बैठूं, और यह कहते थे वह शायद प्रलोभन में पड़ जाएगा और हम उस पर प्रबल होकर उससे बदला लेंगे। परंतु प्रभु एक पराक्रमी शूरवीर की तरह मेरे साथ है। मेरे विरोधी ठोकर खाकर गिर जाएंगे, वे मुझ पर प्रबल नहीं हो पाएंगे और अपनी हार का कटु अनुभव करेंगे। उनका अपयश सदा बना रहेगा। हे विश्वमंडल के प्रभु, तू धर्मी की परीक्षा करता और मन तथा हृदय की था लेता है। मैंने अपने को तुझ पर छोड़ दिया है। मैं देखूंगा कि तू उन लोगों से क्या बदला लेता है। प्रभु का गीत गाओ, प्रभु की स्तुति करो,
क्योंकि उसने दीन की आत्मा को दुष्टों के हाथों से छुड़ा लिया है। प्रभु की वाणी। आपका वाक्य और उसने मेरी
वाक्य मैंने अपने संकट प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यहूदियों ने यीशु को मार डालने के लिए फिर पत्थर उठाए। यीशु ने उनसे कहा, मैंने अपने पिता के सामर्थ्य से तुम लोगों के सामने बहुत से अच्छे कार्य किए हैं, उनमें से किस कार्य के लिए मुझे पत्थरों से मार डालना चाहते हो? यहूदियों ने उत्तर दिया, किसी अच्छे कार्य के लिए नहीं बल्कि ईश निंदा के लिए हम तुमको पत्थरों से मार डालना चाहते हैं, क्योंकि तुम मनुष्य होकर अपने को ईश्वर मानते हो। यीशु ने कहा, क्या तुम लोगों की संहिता में यह नहीं लिखा है, मैंने कहा तुम देवता हो? जिनको ईश्वर का संदेश दिया गया था, यही यदि संहिता ने उन्हें देवता कहा और धर्म ग्रंथ की बात टल नहीं सकती, तो जिसे पिता ने अधिकार प्रदान कर संसार में भेजा है उससे तुम लोग यह कैसे कहते हो? आप ईश निंदा करते हैं, क्योंकि मैंने कहा मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। यदि मैं अपने पिता के कार्य नहीं करता तो मुझ पर विश्वास ना करो, किंतु यदि मैं उन्हें करता हूँ तो मुझ पर विश्वास नहीं करने पर भी तुम कार्यों पर ही विश्वास करो, जिससे तुम यह जान जाओ और समझ लो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। इस पर उन्होंने फिर यीशु को गिरफ्तार करने का प्रयास किया, परंतु अब उनके हाथ से निकल गए। यीशु यर्दन के पार उस स्थान लौट गए जहाँ पहले यौहन बपतिस्मा दिया करता था और वहीं रहने लगे। बहुत से लोग उनके पास आए, वे कहते थे, यौहन ने तो कोई चमत्कार नहीं दिखाया, परंतु उसने इनके विषय में जो कुछ कहा वो सब सच निकला। और वहाँ बहुत से लोग उन पे विश्वास करने लगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो।
प्रभु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों बहनों और वेदी सेवक और सेविकाओं, सुसमाचार में हम लोग सुनते हैं या पढ़ते हैं कि बालक यीशु माता मरियम और यूसुफ के साथ मंदिर गए और मंदिर में उन्होंने शास्त्रियों के साथ बैठकर, वो भी लगभग 12 वर्ष की उम्र में, उनके साथ विचार विमर्श करते रहे, चर्चा करते रहे धर्म ग्रंथ के बारे में, धर्म विधियों के बारे में, तमाम सवालों को लेकर प्रभु ने शास्त्री और वहाँ के गुरुजनों के साथ बैठकर विचार विमर्श किया। यदि उस जमाने में वेदी सेवा होती, वो भी वेदी सेवा बालकों के लिए बालिकाओं के लिए अनुमति होती, तो शायद प्रभु मंदिर में वेदी सेवा किया करते थे। उनको यदि मौका मिलता अवश्य वे करते। आज के दिन हम इस पवित्र मंदिर में हमारे इन बच्चों को वेदी सेवा के नए पवित्र परिधान दे रहे हैं, पवित्र वस्त्र दे रहे हैं और इसको एक विधि के रूप में उनको दिया जाएगा। पूरे धर्म प्रांत में विधि सेवा के लिए हर पल्ली में यही कपड़ा होगा और इसीलिए फादर लोग प्रयास करते हैं कि पल्ली पल्ली या डीनरी लेवल में जाकर इन बच्चों को प्रशिक्षण देने के लिए, समझने के लिए कि वेदी सेवा क्या होती है और वेदी सेवा के लिए बच्चों को क्यों हमेशा तत्पर रहना है और माता पिताओं को इस सेवा के लिए इन बच्चों को क्यों प्रेरणा देना है, इसके बारे में पुरोहित लोग हमारे बच्चों को तालीम दे रहे हैं, उनको शिक्षा दे रहे हैं। पवित्र याग जो पुरोहित इस वेदी पर चढ़ाता, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र बलिदान को जो हम लोग यहां पर दोहराते हैं, उस वेदी के पास खड़ा होना हमारे बच्चों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। बच्चों को समझना चाहिए कि वेदी सेवा भी एक बुलाहट है और वेदी सेवा करते वक्त ना केवल आप लोग पुरोहितों को मदद करते, उनकी सेवा करते हैं, लेकिन मंदिर में जितने लोग खड़े रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, उनकी भी सेवा करते हैं आप लोग। इस भावना से आप लोगों को वेदी सेवा के लिए हमेशा तत्पर होना है और ये पवित्र काम है, ये पवित्र सेवा है, तो इसीलिए इस वेदी सेवा को गंभीर रूप से लेना है। मैं जानता हूं कुछ पल्लियों में लड़के इसलिए वेदी सेवा के लिए आते हैं क्योंकि फलाने लड़की भी उस दिन वेदी सेवा करेगी, उस अपवित्र मनोभाव से आप लोग इस वेदी पर नहीं चढ़ेंगे। वेदी सेवा प्रभु की सेवा है, पुरोहितों की सेवा है, मिस्र बलिदान में आप लोगों की सेवा है और कलीसिया की सेवा है, एक पल्ली की सेवा है, तो इसलिए इस वेदी सेवा को आप लोगों को पवित्र रूप से लेना है, पहचानना है और जो भी पूजा विधि की गतिविधियां मिस्र बलिदान के दौरान होती उसको ध्यान पूर्वक, विशेष रूप से मिस्र बलिदान में जो जवाब आपको देना है, कभी कभी आमेन नहीं कहते,
प्रभु आप लोगों के भी साथ हो नहीं कहते ना। मिश्र बलिदान में सहभागी होना मतलब हमारे मुंह को खोलना ही, हृदय से दिल से हमारे बातों को प्रभु के प्रति हमें कहना ही। हम यहां पर इसलिए आते कि प्रभु से बातें करें, प्रभु को सुने। और जब धर्म ग्रंथ का पाठ पढ़ाया जाता तो तब उसको सुनना ही, ताकि हमें प्रेरणा मिले। और इस वेदी सेवा के लिए माता पिताओं का रोल, उनका दायित्व अपने बच्चों के प्रति भी बहुत बड़ा होता। माता पिता जितना अभिरुचि लेकर अपने बच्चों को प्रोत्साहन देंगे, उतना ही हमारे बच्चे भी इस सेवा के लिए आगे बढ़ेंगे। हमेशा कलीसिया में कहा जाता है, बुलाहटे कम हो रहे हैं, तमाम युवा लोग, पुरोहितिया युवतियां धर्म बहने होने के लिए अब तैयार नहीं है, क्योंकि उसका बीज हम लोगों ने परिवार में नहीं बोया। बुलाहट की बीज तभी बोया जाता है जब हम हमारे बच्चों को सबसे पहले वेदी सेवा करने को सिखाते हैं। मैं भी एक वेदी सेवक था, सातवीं से दसवीं तक रोजाना मैं एक फादर के लिए मिश्र बलिदान की तैयारी और उनके पास खड़ा होकर मैं वेदी सेवा करता था। शायद इसी कारण प्रभु की आशीष है कि मैं अभी भी वेदी पर खड़ा हूं। तमाम पुरोहित इसी वेदी सेवा के साथ ही उन्होंने अपने बुलाहट को पहचाना है, इसलिए अब प्रभु से अभ्यंजित होकर मिश्र बलिदान चढ़ाते हैं। हमारे बच्चों का मार्गदर्शन, उनका पथ प्रदर्शन हम लोगों की जिम्मेदारी है। तो इसलिए प्रिय बच्चों, इस वेदी सेवक सेवा को आप दिल से लें, ये प्रभु की सेवा है। प्रभु के पास खड़े रहते हैं आप लोग। हमेशा दिमाग में हम लोग ये सोचते हैं स्वर्ग मतलब पिता परमेश्वर के पास, तमाम देवदूत संत गण उसकी महिमा कर वहां पर खड़े रहते, तो उसी के समान आप लोग यहां पुरोहित के पास खड़े होकर उस मिश्र बलिदान में भाग लेते हैं। क्या क्या करना है, कब खड़े रहना है, हाथ जोड़ना है, घुटने के बल रहना है, कब मिश्र बलिदान के दौरान घंटी बजानी है, कब पुरोहितों के हाथ धोने के लिए पानी लाना है, कब वाइन और हुस्तियों को लाना है, ये सारे बातें फादर अरुण और उनका टीम आपको समझाएंगे। लेकिन ध्यान पूर्वक उसको समझकर उसे संभालना ही। और जब इस पवित्र स्थान पे खड़े होते हैं, उसी पवित्रता के साथ आपको रहना ही। इसलिए मैंने सभी पुरोहित और धर्म बहनों को वेदी सेवक सेविकाओं की एक प्रार्थना कुछ ही दिनों पहले भेज दी, और ये भी लिख दिया था वहां पे कि इसको फ्रेम में लगाकर आप लोग साक्रिस्टी में रखें, और जब वेदी सेवक सेविकाएं मिश्र बलिदान के लिए अपना परिधान पहन कर तैयार होते हैं, तो मिश्र बलिदान से पहले उस प्रार्थना को आपको करनी है, प्रभु से आशीष मांगनी है कि आप लोग मिश्र बलिदान के लिए अभी तैयार होते ही ना उस मिश्र बलिदान में सेवा किस प्रकार करने के लिए प्रभु से आपको कृपा की आवश्यकता है। वेदी सेवा करने से पहले की प्रार्थना जो है इस प्रकार है, बच्चे मेरे पीछे दोहराइएगा, हे प्रभु यीशु, तेरी वेदी की सेवा करने हेतु मुझे बुलाने के लिए
मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। किसने बुलाया? ये ना मत कहना फादर ने बुलाया, पल्ली पुरोहित ने बुलाया, इसलिए मुझे वहां पे वेदी सेवा करनी है। मम्मी पापा से कहना आज सुबह प्रभु ने मुझे बुलाया है, मुझे वहां पर क्या करनी है? वेदी सेवा करनी है, इसलिए प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। आगे, मुझे ऐसी कृपा प्रदान कर कि मैं आपकी और आपके लोगों की भली भांति सेवा कर सकूं। इसका मतलब यहां जब आप आते हो तो प्रभु की सेवा करोगे, पुरोहित की सेवा करोगे, और साथ साथ किसकी सेवा करोगे? लोगों की सेवा करोगे, पल्ली की सेवा करोगे। मेरा मुंह खोल दे कि मैं शब्द और गीतों द्वारा तेरी स्तुति करूं। हमारे पल्लियों में क्या होता है, केवल क्वायर के लोग गाते हैं, बाकी लोग मुंह नहीं खोलते और कहते हैं हम पल्ली चर्च इसलिए जाते हैं प्रभु की प्रशंसा करने के लिए। तो वेदी सेवक लोग प्रभु से ये कहेंगे, प्रभु मेरे मुंह खोल दो ताकि मैं शब्द, कौन से शब्द जो जवाब देनी है, आमेन कहना है, अन्य जो उत्तर देना है, गीतों को गाना है, ये आप लोगों का दायित्व है। गीतों द्वारा तेरी स्तुति करूं, तेरा वचन सुनने के लिए मेरे कान खोल दे, मेरे हाथों को शक्ति दे, जिससे मैं तेरा कार्य पूर्ण रूप से कर सकूं। हमारे हाथों को पवित्र बनाना है, हमारे हाथों को वो ताकत चाहिए कि हम लोग वेदी सेवा कर सकें। और कभी कभी हम हमारे कान को बंद कर देते हैं, प्रभु की वाणी हम नहीं सुनते हैं ना, नहीं सुनते हैं ना कभी कभी। तो जो पाठ यहां पर पढ़ के सुनाया जाता उसको ध्यान से सुनना है। आज कौन से ग्रंथ से पहला पाठ हम लोगों ने सुना? नबी यिर्मयाह। तड़पता था वह इंसान, बहुत ही दुखी होता था, क्योंकि मिशन कार्य के दौरान जनता उनको नहीं सुनती थी। बहुत कष्ट उसने झेला, लोग उसको मारने आए थे, कत्ल करने आए थे, लेकिन निडर होकर प्रभु की सेवा उसने की। हमें भी कान प्रभु खोल दे हमारे कान को ताकि हम सुन पाए। मैं इस समय जो भी कर रहा हूं और जो भी करूंगा उस सब में मैं निरंतर तेरी स्तुति और महिमा करता रहूंगा। निरंतर, ये नहीं कि इस संडे आए, आने वाले संडे को सो गए, ऐसा नहीं होना है। निरंतर हर वक्त आप लोगों को तैयार होना है। कभी कभी कहेंगे ट्यूशन में जाना है, कल परीक्षा है, आज नहीं जाएंगे ना। यदि पुरोहित भी वैसे ही सोचते तो मिसा बलिदान आपको नहीं मिलता। यदि धर्माध्यक्ष भी वैसे ही सोचते तो इस डायसिस का संचालन नहीं हो पाता। तो इसलिए निरंतर कार्यरत होना है वेदी सेवा के लिए। वेदी सेवा के पश्चात, मिस बलिदान के बाद आप लोग ये कहेंगे, हे प्रभु यीशु, तेरी वेदी पर सेवा के दौरान मेरा मार्गदर्शन के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। प्रभु मार्गदर्शन करेगा, मार्गदर्शन कराने के लिए प्रभु को हमारी अनुमति चाहिए ना, हमारी इच्छा की जरूरत है। जैसे प्रभु कहेंगे वैसे हमें करना है। मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दूंगा,
तेरा वचन मुझे आशा प्रदान करता है, तेरा जीवन पाने से मुझे असीम आनंद होता है। देखो ये वेदी सेवा से हम लोगों के जीवन में हमें प्रभु एक आशा दिलाता है और साथ ही साथ एक नई उम्मीद, नया आनंद हमें प्राप्त होता है। इसलिए बच्चों इस कार्य को हमें आप लोगों को खुशी से करना है, आनंद से करना है। मुझे सिखा दे, बोलो कि मैं सभी बातों में तेरी इच्छा जानने और उसे पूरा करने में आनंद पा सकूं। हे प्रभु यीशु, तेरी स्तुति और महिमा होती रहे अब और अनंत काल तक, आमीन। हे मां मरिया, मेरे लिए प्रार्थना कर, हमारे संरक्षक संत कौन है? संत योहन बर्कबंस, मेरे लिए प्रार्थना कर। तो इसीलिए इस संत के जीवनचर्या को आपको याद होनी है। कौन था ये संत? इसको हम वेदी सेवक सेविकाओं का संरक्षक संत क्यों मानते हैं? तो इसलिए प्रिय बच्चों, अपने अपने परिधान को जब आप अपने पल्ली में जाओगे, इसको सैक्रिस्टी में एक अच्छी तरह आप रखोगे। आइंदा से मैं जब भी पल्ली की भेंट करूंगा, सबसे पहले मैं सैक्रिस्टी देखूंगा और जानना चाहूंगा कि आप लोगों ने इस वस्त्र को किस प्रकार रखा है। ये आपका बेडशीट नहीं है कि वहां पे खा फेंक दिया और मम्मी आकर उसको कहीं ना सही रखवाई रखती है, वैसा नहीं है। इसको पवित्रता से संभालना है और इस मिशन कार्य को प्रभु के लिए और उनकी महिमा के लिए आप करोगे। आइए हम सभी खड़े हो जाएं। बांट दीजिए आप। प्रिय भाई बहनों, जब आज हम इस डिनर के सभी बच्चे जो वेदी सेवक सेविकाओं के संग में सम्मिलित होने वाले हैं, जो यहाँ पर उपस्थित हैं, इस पवित्र वस्त्र को धारण करते हैं, हम सभी मिलकर उनके लिए विशेष प्रार्थना करें कि प्रभु का सामर्थ्य, प्रभु की शक्ति वे अपने जीवन में अनुभव करें और बड़े विश्वास के साथ, भक्ति भावना के साथ इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए वे अपने आप को तैयार कर सके। वेदी सेवक सेविकाओं के संघ के सदस्य बनकर वेदी की सेवा करने इच्छुक उम्मीदवार आगे बढ़े। वेदी सेवा करने इच्छुक प्रिय बच्चों, यदि आप आदर्श वेदी सेवक सेविका बनना चाहते हैं तो आपको यथासंभव यूक्रिस्ती बलिदान में भाग लेकर उत्साही और सक्रिय होना चाहिए। आपको पढ़ाई में चतुर,
बातचीत में मर्यादा मर्यादापूर्ण, चाल चलन में आदर्शपूर्ण और गिरजाघर में भक्ति भावना से व्यवहार करना है। आपका संरक्षक संत योहन बर्कमंस का जीवन आप में प्रज्वलित हो। ईश्वर ने जो भला कार्य आप में प्रारंभ किया है वही उसे पूर्णता तक पहुंचाए। इसीलिए वेदी सेवक सेविका बनने की आपकी इच्छा प्रकट कीजिए। आप यीशु के साथ इस वेदी सामने क्यों उपस्थित हैं? क्या आप इस संघ के नियम और आदेशों को मानने को संकल्प करते हैं? यदि आपकी यही इच्छा है तो वेदी सेवक सेविका बनकर कलीसिया की सेवा करने के लिए अपने समर्पण की प्रार्थना करें। हे प्रेमी पिता, अपने प्रेम से तुमने वेदी सेवक सेविकाओं के रूप में चुना है। तेरे इस बुलावे के प्रति हम पूर्ण रूप से आज्ञाकारी बनकर आज के इस पावन दिवस पर अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं। हे संत योहन बर्कमंस, हम तुझे अपने संरक्षक रूप में स्वीकार करते हैं और तेरे आदर्शों को हमारे सामने रखते हैं। तेरे समान हमें भी उत्साही और सद्गुणी वेदी सेवक सेविका बनकर जीने और तेरे समान हमें भी प्रभु यीशु के मार्ग पर चलने की दान कर। आमीन। आपके समर्पण को दैनिक जीवन में जीने की कृपा के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गिक पिता, संत योहन बर्कमंस ने निष्कपट हृदय और पूर्ण समर्पण भाव से अपने जीवन को तेरी सेवा में बिताया। इन बच्चों को उसी संत के आदर्श का पालन करने में सहायता कर। अपने निष्कपट जीवन से ये बच्चे भी कलीसिया की सेवा करते रहे। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। अब आप वेदी सेवक सेविकाएं बन गए हैं। एक चिन्ह के रूप में यह वस्त्र और फीता आपको दिया जाता है। जैसे आप यह वस्त्र और फीता धारण करते हैं, आपको अपने संरक्षक संत के मूल्यों को अपनाते हुए एक संत की तरह जीवन बिताने का प्रयास करते रहें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान एवं जीवंत ईश्वर, आपकी इच्छा है कि हम संत योहन बर्कमंस के जीवन का अनुसरण करें और उनसे प्रेरणा प्राप्त कर उनकी तरह सुदृढ़ बन सकें। यह वस्त्र और फीता संत योहन बर्कमंस की याद में बनाए गए हैं। इन पर अपनी आशीष देने की कृपा कर। इन्हें पवित्र बना। जो भी इसे ग्रहण करते हैं वे आपकी सेवा करते हुए जीवन में आपकी कृपा प्राप्त करें और हमेशा उनकी जिंदगी खुशियों से भर जाए। प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
वेदी सेवक सेविकाओं, इस वस्त्र और फीता को ग्रहण कीजिए। जब आप इसे धारण करते हैं, अपने संरक्षक संत की इच्छाओं को अपने जीवन में ग्रहण कर उसमें बढ़ते जाएं। इस वक्त हम पवित्र आत्मा का गीत गाएंगे और इन बच्चों के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे।
मैं सर झुकाता हूँ
हे सर्वशक्तिमान शाश्वत पिता, तुझे हम धन्यवाद देते हैं आज के शुभ दिन के लिए। वेदी सेवक सेविकाओं को तूने तेरे सम्मुख बुलाया है और इस अच्छे सेवा कार्य को करने के लिए नियुक्त किया है। प्रभु कलीसिया को और हमारे व्यक्तिगत आवश्यकताओं को लेकर तुझसे हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं हमारे संत पिता फ्रांसिस के लिए, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहित गणों, धर्म बहनों एवं भाइयों के लिए। हम प्रार्थना करते हैं सभी लोग धर्मियों के लिए, ताकि ईश्वर की कृपा उन पर बनी रहे और वह ईश्वर का मिशन पूरे संसार भर में फैला सकें। इस मतलब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारे बरेली धर्म प्रांत के बिशप स्वामी इग्नेशियस डिसूजा एवं सभी पुरोहितों एवं लोक धर्मियों के लिए। हे ईश्वर, सभी को सुस्वास्थ्य रख एवं अपने आशीष से भर दे कि हम आपके रास्ते पर चल सकें। हमारे धर्म प्रांत में हर पल्ली में सभी लोग कलिसिया रूपी जी परिवार में जुड़कर आगे बढ़ें और आपकी स्तुति महिमा करें, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस समय तक सुरक्षित रखा है और आप हमारे बीच उपस्थित हैं। आज मैं विशेष रूप से सभी वेदी सेवकों को तेरे निकट लाती हूँ, जो तेरे पुरोहितों के संग रहकर मिसा बलिदान के दौरान उनका हाथ बटाते हैं। सभी वेदी सेवकों पर तू अपना अनुग्रह कर कि वे विश्वास में मजबूत रहकर कलीसिया के सेविकाई कार्यों को बलिबांधी कर सकें। उन्हें तू अपने आदर्श जीवन का नमूना दे कि वे दूसरों को भी तेरी ओर आकर्षित होने का माध्यम बने। इस विशेष मतलब के लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारी पॉलीगंस डीनरी के लिए। जितनी भी पल्लियाँ हमारी पॉलीगंस डीनरी में आती हैं, उन सब पल्लियों के लिए धन्यवाद देते हैं। जितने भी पुरोहित इस डीनरी में कार्य करते हैं, उनके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारी डीनरी में प्रभु की आत्मा मंडराती रहे तथा सबको शक्ति सामर्थ्य दे, जिससे सभी आत्मा से भरकर प्रभु के वचन अनुसार जीवन बिताते हुए, प्रभु के प्रति निष्ठा रखते हुए मन वचन कर्म से प्रभु की सेवा करें, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं सभी परिवारों के लिए। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम अपने पूरे परिवार पर दया दृष्टि कीजिए तथा हमारे परिवार को अपनी आशीषों से भर दीजिए, जिससे हमारा परिवार विश्वास एवं भरोसे के साथ जीवन बिताते हुए मुक्ति की ओर अग्रसर हो, इस मतलब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, सभी राष्ट्रों का निर्माता, हम अपने देश और उसके सभी नेताओं को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु, वर्तमान में चल रही आम चुनाव शांतिपूर्ण व लोकतांत्रिक रूप से संपन्न हो। हर कोई अपने मताधिकार का सही इस्तेमाल करते हुए अच्छे लोगों को चुना जा सके, जो हमारे देश को सही नेतृत्व कर पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, अपनी प्रजा का मन आलोकित कर दे, यह उन बातों में लगे रहे जो तुझे प्रिय हैं, यह भले कार्यों से सदा तत्पर रहें। प्रभु, अपने विश्वासियों का हृदय आध्यात्मिक वरदानों से पोषित कर, ये तेरे प्रेम से सामर्थ्य से सुदृढ़ होकर सेवा कार्यों में लगे रहें, ये हमारी प्रार्थना है अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमेन। Thank you.
प्रभु और बहनों प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु के नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथ से बलिदान स्वीकार करें। हे दयालु ईश्वर, हमें यह वरदान देने की हम तेरी वेदी पर समुचित रीति से बलिदान चढ़ाने के योग्य बने और इसमें नित्य सहभागिता द्वारा अनंत मुक्ति प्राप्त करें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग द्वारा सारा संसार तेरे प्रताप के अपार सामर्थ्य की घोषणा करने लगा है, क्योंकि क्रूस की अद्भुत शक्ति द्वारा संसार का न्याय हो गया है और क्रूसित क्रिस्त का सामर्थ्य प्रकट हो गया है। इसलिए हे प्रभु समस्त स्वर्ग दूतों और संतों के साथ हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लास पूर्वक घोषित करते हैं, पवित्र 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 परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग प्रभु के नाम पर आते हैं, सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए, जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा ही नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा, तुम मेरी स्मृति में यह करो।
विश्वास का रहस्य। प्रभु जब भी ये रोटी हम खाते हैं और ये कटोरा पीते हैं, जब भी ये रोटी हम खाते हैं और ये कटोरा पीते हैं, पुनरागमन तक मृत्यु की तेरी घोषणा करते हैं, पुनरागमन तक मृत्यु की तेरी घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे वन भाई बहनों की भी सुधि ले, जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने, और ईश्वर की माता धन्य कुवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र येसु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमेन, आमेन, आमेन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य, तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ और अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं बल्कि कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। मना
देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम उस मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। तू आ जा रे
ना करे। हे दयालु ईश्वर, हमें यह वरदान दे कि हम तेरी वेदी पर समुचित रीति से बलिदान चढ़ा सके। तेरे सेवक सेविकाए तुझसे सुरक्षित सुरक्षा की याचना करते हैं, वह सदा हमारी देखभाल में तेरे आशीष हम पर उतर आए और सब प्रकार बुराइयों को हमसे दूर हटाता रहे। यह वर दे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। आशीष के लिए सिर झुकाएं। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरे सेवक सेविकाएं तुझसे सुरक्षा की याचना करते हैं। वे हर बुराई से मुक्त होकर शांत मन से तेरी सेवा करते रहे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा ले, मिसा संपन्न हुआ, ईश्वर को धन्यवाद। अंतिम गीत के दौरान सभी वेदी सेवक से भी खाएं यहाँ फोटो के लिए खड़े हो जाएं। बाकी लोग फोटो ना निकालें, केवल कैमरा मैन निकालेगा। और उसके तुरंत बाद पल्ली के पुरोहित और वेदी से हर एक पल्ली के आगे आए। Yeah.
अपने पात्रों से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, अपने पात्रों से भर दिया है, तूने मेरे तत्वों को